रुक फ्रेम में घुस गया बस बस की जगह थी और यहाँ पे उनके खाने पीने का रखा जाता। तो जिस बिल्डिंग को अभी आप देखने आए हैं मैडम, इस बिल्डिंग का नाम तिरुपति पवेलियन कहा जाता है, तिरुपति मंडप। लेकिन यहाँ पे मैडम कोई रूपमती का कोई रहने वाली जगह नहीं था। रूपमती का जो रहने वाली जगह थी वो यहाँ से 6 किलोमीटर दूर एक साई महल है जो जहाज महल के अंदर जो बना रखा है। तो रूपमती मैडम वहां पर रहा करती थी और वहीं से रूपमती घोड़ा या पालकी से यहाँ पर रूपमती नर्मदा नदी का उसी पे दर्शन करने के लिए रूपमती यहाँ पे उस नदी पर आया जाया करती थी। लेकिन मैडम बिल्डिंग जो था ये रूपमती से पहले का बना हुआ था। बिल्डिंग का जो निर्माण किया गया था 10वीं शताब्दी में, इसे जो बनाया गया था परमार राजा भोज ने। तो बिल्डिंग को मैडम राजा भोज ने जो बनाया गया था ये अपनी सेनाओं के लिए। यहाँ से क्या होता है कि एमपी को यहाँ से दो भागों में बांटा गया है, एक मालवा और एक दूसरा प्रांत होता है निमाड़ कहा जाता है। ये मैडम समझिए किले का लास्ट बाउंड्री है। तो निमाड़ से अभी 1200 फीट की हाइट पे खड़े हैं और उससे लेवल से 1400 फीट। लेकिन माटू जब राजा भोज ने बनाया था आबादी माटू के अंदर मैडम 9 लाख की थी, तब बिल्डिंग के अंदर उस टाइम के अंदर 3 लाख की थी। माटू के अंदर कोई भी व्यक्ति जब रहने के लिए आता तो उसे हर दस एक पत्थर दिया जाता था और एक सोने का सिक्का दिया जाता था। ये राजा की स्कीम थी मैडम, ये राजा की स्कीम थी पब्लिक को इस प्रकार से बढ़ाने के लिए। तो मैडम यहाँ पे 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी हिंदू राजा थे। उसके बाद में चालू होता 1310 में दिलावर खान गोरी, 1405 में हुसैन शाह गोरी, 1469 में गयाउद्दीन खिलजी, 1508 में नसीरुद्दीन खिलजी और 1556 में राजा बाज बहादुर जो अकबर का सेनापति था। बाज बहादुर कोई राजा नहीं था, लेकिन बाज बहादुर का मैडम नाम रहा था बाजिद अली खान और बाज बहादुर उसका एक टाइटल था। कोई भी शिकार करके जब जाता था वो ईगल की तरफ फाइट करना, बाज की तरफ अटैक करना, उसको टाइटल नेम देता था बाज बहादुर। लेकिन मैडम उसके बाद में आया था 1616 जहांगीर, अकबर का बेटा जहांगीर, और 1668 में औरंगजेब। इंदौर दिया था होलकर को, नागपुर दिया था घोसले को और पूना में रहा था पेशवा और गवर्नर सिंधिया और मैडम गुजरात दिया था गायकवाड़। लेकिन उसके बाद में मैडम रूपमती जो रहने वाली थी वो धर्मपुरी की थी, यहाँ से 47 किलोमीटर दूर है और मैडम वो थी एक जमींदार थान सिंह की लड़की। लेकिन रूपमती मैडम बहुत अच्छी एक सिंगर थी, लेकिन सबसे सुंदर रानी पद्मावती थी, एक रूपमती थी और एक थी बाजीराव मस्तानी। तो मैडम बाज बहादुर जब माडू के अंदर आता है वो दो चीज़ों का शौकीन था, संगीत और दूसरा शिकार। तो मैडम शिकार करने बाज बहादुर निकलता वो धर्मपुरी गांव के अंदर पहुंच जाता है। उससे मालूम पड़ता है यहाँ पे एक रूपमती नाम से कन्या है, बहुत अच्छा संगीत कला का वो जानती है। तो मैडम बाज बहादुर उसकी पार्टी में जाकर शामिल हो जाता है। लेकिन रूपमती राग जानते थे मैगमलार राग, जैसे गर्मों पे गाओ तो फिर से बारिश चालू हो जाती है। तो मैडम रूपमती से बाज बहादुर कहने लगता है कि आपको संगीत के लिए हम आपको ले जाना चाहते हैं। लेकिन मैडम रूपमती की शर्त एक रूपमती जो है वो रोजीना नर्मदा नदी का उसका दर्शन करना चाहती है। तो मैडम रूपमती मंडप, तो यहाँ पे कोई रूपमती रहती नहीं थी मैडम, यहाँ से रूपमती टावर से नर्मदा नदी का दर्शन करती थी। लेकिन मैडम रूपमती को दर्शन यहाँ तो होते सिर्फ एक सुबह 6-7 के बाद, सूर्य जब निकलता है उसका लाइट कहता है पानी के ऊपर तो उसका भी मैडम रिफ्लेक्शन होता है, चमक की एक लाइन निकल देता है। और ये मैडम पूरा और ये जो एरिया है मालवा प्लाटू कहा जाता है और इधर निमाड़ वैली नर्मदा वैली कहा जाता है। लेकिन मैडम उसके बाद फिर कुछ समय बाद फिर बाज बहादुर जो था वो यहाँ का राजा बन जाता है और अकबर से बगावत कर लेता है। तो अकबर के पास मैडम आपने सुना होगा एक आदम खां कोका था जो महामंगा का लड़का था। तो बाज बहादुर और आदम खां की दोनों की फाइट होती है और फाइट करने बाज बहादुर मैदान छोड़ के भाग जाता है और आदम खां मांडू को जीत देता है। लेकिन मैडम आदम खां जो था वो रूपमती को परेशान करने लगता, उसको अपनी पत्नी बनाना चाहता था। तो रूपमती आखिर में जहर खा के रूपमती मर जाती है। तो रूपमती और बाज बहादुर का रूम कमरे होते मतलब यहाँ पे कोई रूम कमरे नहीं और ये जो पहाड़ी मैडम जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत है, मांडू पूरा विंध्याचल पर्वत के ऊपर मांडू बनाई है। अंदर कोई रूम कोई कमरा नहीं, ये पूरा ओपन है। और इसी प्रकार से मैडम 10वीं शताब्दी का जैसा रही 11 साल पुराना है। तो मैडम उस टाइम पर कुछ सीमेंट नहीं होता था, चूना पत्थर से बनाया जाता है। इसके अंदर चूना, गोंद, उड़द की दाल,
पब्लिक बजट से गवर्नमेंट बन गया है, रास्ता सिंगल है सर आने का, एक ही रास्ता है। ये सारे उनके लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन ये कोहरा टाइप का मैडम अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कोहरा जब साफ होता तो नवदा दिखाई देगा, और नहीं दिखाई देगा मैडम तो रूपमती के लिए फिर बनाया गया नीचे एक रेवा कुंड, तो रूपमती से रेवा कुंड का ही वो पूजा पाठ किया। और ये मैडम इसका वर्ल्ड का बाउंड्री, जो सूर्य का लाइट ऊपर गिरेगा तो रोशनी नीचे जाएगी, तो उसके नीचे मैडम रास्ता को जाने के लिए अपन चलेंगे। तो इस तरह ये लाइट के लिए है, लेकिन सर अभी आपको फिल्टर नहीं हो रहा है, अभी डायरेक्ट पानी आ रहा है, तो जितना भी बारिश के पानी को फिल्टर करके रखा जाएगा, जो सोल्जर देते हैं उनके पीने के काम में लिया जाएगा। अपन हाइट पे खड़े मैडम, यहाँ पे गड्ढा खोदने से पानी तो निकलेगा नहीं, तो बारिश के पानी को गिर चुका सर, ये रास्ता उनका मेन एंट्री के लिए था। ठीक है, यहाँ से अपन बाहर आ गए।